गोरखनाथ थाने का पुराना भवन जमींदोज करके नया भवन बनाने के लिए शासन ने 21 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिया है। पुराने थाने के बिल्डिंग की जगह पर नया भवन बनाया जाएगा, जिसका काम बुधवार से शुरू हो गया है। पुरानी बिल्डिंग के टूटने और नई बिल्डिंग बनने तक थाना का कार्य परिसर में ही पुलिस आवास में किया जा रहा है। यहीं पर फरियादियों की फरियाद भी सुनी जा रही है। थाना का नया बिल्डिंग बन जाने के बाद थाना प्रभारी, दरोगा और सिपाहियों को भी सुविधा होगी। गौरतलब है कि गोरखनाथ रोड का चौड़ीकरण होने के बाद गोरखनाथ थाने का भी सुंदरीकरण और नया भवन बनना था, जिससे गोरखनाथ मंदिर के साथ ही थाने की भी भव्यता बढ़ेगी। इसके संबंध में गोरखनाथ थाने के प्रभारी रामाज्ञा सिंह ने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण के कार्य की वजह से थाना परिसर की बाउंड्री वॉल गिर गई है। इसके अलावा थाने का भवन भी काफी पुराना हो गया है। ऐसे में इसके महत्व को देखते हुए नए भवन के बन जाने से पुलिस कर्मियों को काफी सहूलियत हो जाएगी। का नवीनीकरण सुंदरीकरण होना था, नई बिल्डिंग बननी थी, आज से काम शुरू। क्या है इसका? नहीं, टूट रहा है, इसका बजट पास हो गया, 21 करोड़ रुपये आ गए हैं और इसका निर्माण हो रहा है, तो अधिकारी का भी आदेश हो गया है, इसी क्रम में ठेकेदार बुलवा रहे हैं। कब तक बन जाने की उम्मीद है? 1 साल के अंदर बन जाना चाहिए, ठेकेदार के यही बता रहे हैं 1 साल के अंदर बन जाए। तो अभी फिर कहाँ बैठेंगे, फरियादी कहाँ आएंगे लोग? अरे आवासीय परिसर एक था, उसको खाली करा करके आपसे शिफ्ट किया गया, उसमें तब तक उसी में काम होगा। हाँ, थाना दफ्तर में शिफ्ट किया गया, उसमें सब आपने से औलाद में बन गया है और